There. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, पिछली क्लासेस में आपको रिलेटिव क्लाउज के बारे में बताया था और वो पार्ट टू था. तो अभी हम रिलेटिव क्लाउज के बारे में ही अभी वीडियो बना रहे हैं. तो रिलेटिव क्लाउज में बहुत सारे कुछ आते हैं, तो आज हम बताएंगे रिलेटिव क्लाउज में हु, हुज, विच एंड हुम का इस्तेमाल. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, आज के टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम वो देखते हैं एक वीडियो, कन्वर्सेशनल वीडियो. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स वॉच. वेल, इट्स अ कोजी कॉटेज विद अ कपल ऑफ बेडरूम, बाथरूम एंड अ नाइस हॉल एंड अ किचन. इज देयर नॉट डाइनिंग रूम? नो, देयर इज नॉट एनी सेपरेट डाइनिंग रूम. देन वेयर डू यू ईट? वी ईट इन किचन, इट्स अ क्वाइट बिग. आर देयर नो कर्टन्स? No, we haven't got any curtains either. Then it's very simple house. Yes, that's why I like it too much. Okay friends, तो ये मैंने सारे कुछ बोर्ड पर लिख कर रखा हुआ है. रिलेटिव क्लाउज, होम, विच, हुज एंड हु. पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से. लेकिन फिर भी मैं फिर से दोबारा इसमें मैं आपको दोहराऊंगा उस बात को कि किस तरह से हम होम का इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं और विच का. इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, सेम टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक एक सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं. अब रिलेटिव क्लाउज का मतलब क्या होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो मेरी कलम जिसे मैंने कल खरीदी थी वह बहुत सुंदर है. मेरी कलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर चीज़ों की बात होती है, थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी पर्सन के लिए बात होती है तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम मेरी कलम इज द नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स वाई विल यूज द विच. माई पेन, पेन लिखेंगे, माई पेन जिसे मैंने कल खरीदा था, खरीदी थी, तो विच, माई पेन पहले लिखेंगे, विच आई बाउट यस्टरडे. वह बहुत सुंदर है, तो वह बहुत सुंदर है के लिए हम दैट इज या इट इज ऐसा नहीं लगाएंगे, सीधा एलपी वर्ब लिखेंगे कि इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है फ्रेंड्स, माय पेन विच आई बाउट यस्टरडे इज वेरी ब्यूटीफुल, ये होगा. अभी दूसरा है, मेरा भाई जो लंदन में रहता है वो आज आ रहा है. मेरा भाई, माई ब्रदर. ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव क्लाउज का जो सब्जेक्ट है वो है सब्जेक्ट है. फिर जो लंदन में रहता है, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे, वही फॉर्मूला रहेगा. तो माई ब्रदर अभी मेरा भाई क्या है, पर्सन है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स है. दैट्स वाई विल यूज योर हु लिव्स इन लंदन, वो आज आ रहा है. तब यहां पर हम ही नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इज लिखेंगे, इज कमिंग टूडे. ठीक है फ्रेंड्स, अभी तीसरा है, राम जिसके साथ मैं कल खेल रहा था वो मुझे पीटने लगा. मतलब राम, किसी भी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राम जिसके साथ मैं कल खेल रहा था वो मुझे पीटने लगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ना तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे ना हु का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, जिसके साथ है, जिसके साथ, जिसे या जो, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे. जिसे या जो, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिसके, तो जिसके जब आए ऐसे सेंटेंस में, रिलेटिव क्लाउज में, जिसके, जिसको, ऐसा है,
तो वहाँ पर ज्यादातर हम होम का इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, जो पर्सन के लिए बात हो तो राम, पहले हम राम लिख देंगे क्योंकि राम इज द सब्जेक्ट हियर, रिलेटिव क्लाउज है। तो राम जिसके साथ मैं कल खेल रहा था, तो विथ होम आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे yesterday। अब यहां पर क्या है, वो मुझे पीटने लगा। मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में, कि वह जाने लगा, वह गीत गाने लगा, वह हंसने लगा, वह रोने लगा, इस तरह का सेंटेंस आए तो हम उसको बिगिन से या स्टार्ट से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि वो मुझे पीटने लगा, तो स्टार्टेड, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्टार्टेड सीधा लिखेंगे, स्टार्टेड टू बीट मी। ठीक है ना फ्रेंड, तो इस तरह से राम जिसके साथ मैं, मतलब जिसके जब आया और उसने इस सेंटेंस से ये पता चले कि उस चीज के साथ कुछ हुआ या कुछ किया जा रहा था, तो फिर वहां पर होम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर होम का हमने इस्तेमाल किया, राम विथ होम आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे स्टार्टेड टू बीट मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं और अभी हुज का इस्तेमाल सीखेंगे कि हुज का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है हुज वाला सेंटेंस, अभी हम हुज का इस्तेमाल सीखते हैं कि हुज का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और किस अवस्था में करते हैं हम। ठीक है, प्रिया जिसके पति डॉक्टर है लंदन गए हैं, प्रिया यहाँ पर सब्जेक्ट है और जिसके पति, इसमें रिलेशन आया, प्रिया का रिलेशन उसके पति से है, मैंने प्रिया का पति जो भी है वो पति है, उसके पति की हम बात कर रहे हैं, तो प्रिया के पति, मतलब यहाँ पर रिलेशन जुड़ रहा है, पोसेसिव है, तो पोसेसिव जिस तरह, जब भी सेंटेंस में हम पोसेसिव देखेंगे ना, पोसेसिव, वहाँ पर हम हुज का इस्तेमाल करेंगे, किसी से कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि अमन जिसका पेन खो गया, तो जिसका मतलब पेन किसका था, तो उस जिसका पेन था उसके साथ पेन का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए वहां पर हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब प्रिया जिसके पति डॉक्टर है, तो प्रिया लिखेंगे पहले, प्रिया हुज हस्बैंड इज अ डॉक्टर, वो लंदन गए हैं, तो हैज गोन टू लंदन। ठीक है फ्रेंड्स, मनीष जिसका पर्स खो गया था वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, तो मनीष, पहले मनीष लिखेंगे, मनीष इज द सब्जेक्ट हियर। ठीक है, फिर जिसका पर्स खो गया था, मतलब मनीष का ही पर्स था, तो उससे उसका पोसेसिव प्रोनाउंस है, तो मनीष हुज पर्स वॉज लॉस्ट, खो गया था, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, इज अ पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बाइक जिसका रंग लाल है वो मेरी है। यहाँ पर हम, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी थिंग्स की बात होगी तो हम विच का इस्तेमाल करेंगे, और पर्सन का, पर्सन की बात करेंगे हम तो वहाँ पर हम हु या होम का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसमें हु लगाना है कि होम लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाइक जिसका रंग लाल है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, थिंग्स है, फिर भी हम यहाँ पर हुज का इस्तेमाल करेंगे, हुज का इस्तेमाल वाले सेंटेंस में, वहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में फ़र्क नहीं करेंगे, वहाँ पर दोनों ही सूरत में, दोनों ही हालात में हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कुछ ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, हु, व्हाई, व्हेन, हुज, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, और ज़्यादातर लड़कों के दिमाग में यही रहता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल हम हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स के बाद, हम जस्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हम अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं किसी से, लेकिन हम इसका जब पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं इसका हम, जैसे वेयर मतलब कहाँ होता है, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन जब पॉजिटिव वे में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वेयर का मतलब जहाँ होता है, हुज मतलब किसका किसकी होता है,
लेकिन इसका हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो हुज का मतलब जिसका होता है, और उसमें जिसका अगर हम जिसका के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हुज का, तो वहां पर हुज के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो वो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। हम सब्जेक्ट के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुज यहाँ पर लिखा ना हुज कलर इज रेड, यहाँ पर ऐसा होगा कि हुज इज कलर ऐसा नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पर मनीष हुज पर्स वॉज लॉस्ट, तो हुज वॉज पर्स ऐसा नहीं लिखेंगे हम, फिर वो क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हुज का मतलब पॉजिटिव वे हुआ जिसका, जिसकी, जिसको, हु का मतलब जो, विच मतलब जिसे, जो, यही इसका मतलब पॉजिटिव वे में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव क्लाउज में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स को हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।